हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेड ऑल डॉक्टर में। और आज जो डीजी की सर्विस है, थोड़ी सी अमेजिंग वीडियो नई है आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ सीखने को है इसमें। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि डीजी में जो सर्विस है 62 KB का डीजी, हमने अल्टरनेटर से 62 KB का लगा रखा है, इसमें क्या क्या सावधानियाँ, कौन कौन से फिल्टर हम चेंज करते हैं, वो मैं बिल्कुल विस्तार से दिखाऊँगा आप लोगों को। और बड़े आराम से सारा कुछ, सब कुछ सेट अच्छा से हाथ में आएगा आपके, और सब कुछ आपके सामने आँखों होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चलिए अब सीधे देखिए, आप यहाँ से इस फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। आ जाए थोड़ा, और ये देखिए, यहाँ 1 लीटर का फिल्टर, ये देख रही बाहर निकला है। और इसको आप पुश कर लें, रोक लें, इसको भी निकाल लें। ये देखिए फिल्टर की हालत ये निकली है, ज़्यादा कोई खास नहीं निकला ऐसे। ये वाला पहले जो आपका डीजल की टैंकी से जो सेक्शन आता है आपका, पहला फर्स्ट डीजल का जो रिसाव वो इसमें आना चाहिए। तो ये आप फर्स्ट डीजल डालें, ये ध्यान रखें कि टैंकी से जो डीजल पाइप आता है उसी पे लगना चाहिए, उसी सेक्शन पर। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, पूरा फुल टाइट ना करें इसका। फुल टाइट करने में क्या है कि अभी हवा नहीं निकल पाएगी इसकी, तो दूसरा वाला लगा देंगे आप, तभी इसकी हवा निकलेगी। और इस तरह से आप लगा लें। और ये जो पंप के सेक्शन की तरफ से आप जब लगाएंगे, तो ये वाला फिल्टर लगाएं, कपड़े वाला, तो ये इसका गत्ते वाला सॉरी, तो आप इसका फिर जो है आगे छानने का सिस्टम जो अच्छा रहता है। ये एक गिलास बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन हो रखी है। ये आप इनमें बिल्कुल गंदगी ना छोड़ें, साफ़ सुथरे रखें इनको। ये आप डाल सकते हैं ऐसे। और आप यहाँ पे इसको आराम से लगा दें सीधे करके। इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है गिलासी में, इसमें आप साफ कर सकते हैं। और लास्ट में क्लास से क्रॉस चेक करने के लिए टाइट कर सकते हैं। स्टार्ट, आप यहाँ से फिल्टर को मार के इसकी हवा निकाल सकते हैं फिल्टरों की। देखिए ये हल्का हल्का तेल आने लगा, और इसको टाइट कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑयल फिल्टर है, इस ऑयल फिल्टर की असेंबली खोल लें आप नीचे से। 19 नंबर वोल्टेज में लगा हुआ, और इसकी ऑयल क्या कंडीशन निकलती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। ये है कंडीशन ऑयल फिल्टर की, ये देखिए बिल्कुल बस से बस्ता हालत निकली ऑयल की। और आप लोग समय पर सर्विस करें इसकी, तभी जाकर आपकी इंजन की लाइफ मिलती है। स्टार्ट, ये बेस प्लेट है आपकी फिल्टर। इसको आप बढ़िया तरीके से साफ कर लें। ये देखिए आप इसको, बेस को आप नीचे ले लें। ये आप इस तरह से गिलासी को लगा लें, सावधानी से ओरिंग का ध्यान रखें। ओरिंग मैंने देख लिया इसमें कैसा है, और इस तरह से टाइट कर लें आप, स्लाइड करके कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया चढ़ जाता है। और इसका है टाटा का पुराना, ज़्यादातर अब डीजे में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों में तो इस्तेमाल ख़त्म कर दिए लोग। इस तरह से आप इसको टाइट कर लें, और ये आपका ऑयल फिल्टर लगभग रेडी हो गया।
अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो कि है इसका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर तो है नहीं इसमें, ड्राई नहीं होता, ऑयल फिल्टर होता है। ये आप 24 नंबर से लूज करके, और ये देखिए हम ऑयल यूज करते हैं इसका। एचपी का है, मल्टीग्रेड है, BW40। अब ये खाली हो गया है, नीचे डालिए इसे, नीचे लगा, इधर डालेंगे। ये बोल्ट है, इसमें एक मैग्नेट होती है, इसको साफ करना चाहिए। अभी मैं इसको धोऊंगा, आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो, वरना मैं भरोसा करके धोऊंगा इसको। देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें लगभग में ऑयल पूरा खाली हो चुका है, चैम्बर बिल्कुल खाली है। अब आप यहाँ से इसको निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे, और ये जो है आप इधर रख सकते हैं। यहाँ से आप ऑयल ड्रेन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं इसको। आगे की मैं और प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या है इसका, पूरी वीडियो इसका, कि आखिरकार हमने किस पर लगा रखा है। ये देखिए, ये जनरेटर पर है, 62 KVA का अल्टरनेटर लगा रखा है, और बहुत अच्छा लोड लेता है। पुराने ज़माने का इंजन ज़रूर है, लेकिन लोड बहुत शानदार लेता है। और इसका सलप भी हमने रिपेयर करने के लिए भेजा है, वो भी अगर कहो तो उसकी भी वीडियो डाल दूँगा आगे, कि सलप में क्या क्या खराबियाँ होती हैं। बाकी इसकी लगभग में ये सर्विस कंप्लीट है। आप पानी का ध्यान रखें रेडिएटर में, कि पानी कम नहीं होना चाहिए। 10 लीटर ऑयल डालें आप इसमें, और 10 लीटर बहुत अच्छा रहा। ये इस बोल्ट को आप टाइट कर लें ऐसे, देखिए। अब यहाँ आप इस गेज को ऐसे कर चेक कर लें, देखो पूरा हो गया तेल जितना हमें चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पूरा हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये तो थी 62 KVA DG की सर्विसिंग एंड ट्रायल, जो कि पूरा हो चुका है, और आप इस तरह से काम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए कितना शानदार चल रहा है। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।